वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा, और फिर हम उसका ग्राफ आसानी से बना पाते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लेता हूँ कैसे उन ग्राफ्स को हमें प्लॉट करना होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। मान लीजिए कि एक इक्वेशन आपको दिया गया, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी इक्वेशन आपको दी गई है 5a माइनस 5a प्लस 2b माइनस 2b लिखते हैं प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलासिटी उनके बीच का एक इक्वेशन आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन और v फॉर वेलासिटी। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, जो पार्टिकल का मोशन है उसको आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है। आपको बताना है प्लॉट आपको बताना है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलासिटी, एक्सेलरेशन वेलासिटी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एंड वेलासिटी विद एक्सेलरेशन, वेलासिटी विद एक्सेलरेशन, इसको प्लॉट करना है। दो ग्राफ आपको यहां पर प्लॉट करने हैं, एक आपको प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी और एक आपको प्लॉट करना है वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन। इन दोनों को प्लॉट करके आपको दिखाना है। तो कैसे, हमने क्या सिचुएशन आपको बताई थी, कैसे सॉल्व करना होता है इसको, इसका अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो सबसे पहले देखो आपसे क्या बोला गया, एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, तो आई एम गोइंग टू प्लॉट समथिंग लाइक दिस, एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन आएगा वर्टिकल एक्सिस पर और वेलोसिटी आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अब क्योंकि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ प्लॉट करना है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लेना है, पूरा जो कल वाला जो पूरा स्टेप मैंने समझाया था उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को आपको सब्जेक्ट बनाना है, आप लिखोगे माइनस 5a इज इक्वल्स टू 2v माइनस 10, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। बोलो बेटा यही बनेगा एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ वेरिएशन, इक्वेशन यही बनेगी। आपको देख करके तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है बेटा, एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाया, तो ये इसका स्लोप मिल रहा है बेटा, ये स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और ये वाई इंटरसेप्ट है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ होगा बेटा। बोलो समझ आया, समझ आया? ठीक है, तो अभी यहां पर देखो ये जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है, 2 है, तो आप इसको लिखोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया बेटा। ठीक है, और स्लोप अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स माइनस 2 बाई 5। तो इस तरह से एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये हो गया बेटा, स्लोप हो गया tan इनवर्स माइनस 2 बाई 5 और ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसका, हाँ बेटा सर, इधर अब आपको बनाना है वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन, मतलब अब आपको वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी को रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्सेलरेशन को रखना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की एक्सेलरेशन, तो ये हो गया बेटा ऊपर की तरफ आ गया वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल आ गया एक्सेलरेशन,
नाउ मेक द वेलोसिटी एज अ सब्जेक्ट, तो आपको मिलेगा 2v = -5a + 10, v = -5/2a + 5, ये मिलेगा बेटा। तो अब अगेन ग्राफ को ऐसा ही बनेगा लेकिन y इंटरसेप्ट बदल गया। देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही 5 m/s की, और इसका जो स्लोप आ रहा है बेटा वो चेंज होकर के कितना हो गया, tan इनवर्स 5/2। मतलब ग्राफ तो बना है स्ट्रेट लाइन की लेकिन स्लोप बदल गया और वैल्यू बदल गई। तो देखो सिचुएशन समझ में आई दोनों, मतलब किसी का भी वेरिएशन किसी के साथ भी प्लॉट करोगे आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो क्या है बेटा, एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन चेंज क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप ये बदल जाता है। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ आ गया कि कैसे हमें स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना होता है। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब आप जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ग्राफ के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी आपको मिलता है एक लीनियर इक्वेशन, आप समझ जाओ कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये देखना होगा कि कौन का किसका वेरिएशन किसके साथ पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पर उसको मार्क करोगे और उसको प्लॉट करोगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइन बेटा। स्ट्रेट लाइन के बारे में ग्राफिकली केवल इतना ही जानना था, बाकी स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत सारी बातें होती है वो सब आप धीरे धीरे समझोगे जब आप मैथ पढ़ोगे। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेट लाइन की। अब एक और ग्राफ बनता सर, टेन इनवर्स माइनस 5/2 नहीं होगा, नहीं होगा मतलब सॉरी मैंने रिमूव कर दिया, क्या लिखा था मैंने, -5a - 2v + 10 = 0। अब v = बेटा v को सब्जेक्ट बनाओगे, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो गया क्या 2v = -5a + 10। अब 2 से डिवाइड कर दो, v = -5/2a + 5, तो ये क्या आ रहा बेटा, tan इनवर्स -5/2 ही तो मिल रहा है। स्लो ठीक है सर, बट 5/2 इज नेगेटिव। हाँ बेटा 5/2 नेगेटिव है, इसीलिए तो ग्राफ, देखो नेगेटिव स्लोप का मतलब ही तो समझाया था मैंने आपको, ग्राफ ऐसा क्यों बनाया मैंने, मैंने बोला था कि जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ग्रेटर एंगल बनेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब स्लोप क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव स्लोप था इसीलिए तो मैंने इसको ऐसे बनाया, अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो मैं ऐसे बनाता। चारों ग्राफ मैंने आपको बताया, चारों डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर -5/2 का इसलिए ग्राफ को ऐसा बनाया गया। चलो तो ये तो बात हो गई स्ट्रेट लाइन की। अब हमेशा लीनियर वेरिएशन तो होगा नहीं है ना, मोस्टली आपको फिजिक्स में लीनियर और स्क्वायर का वेरिएशन मिलता है बेटा। तो अब स्क्वायर वाले वेरिएशन में दो ग्राफ बनते हैं, मेनली वैसे तो तीन बनते हैं लेकिन दो ही आपको समझने हैं। अब एक अगली बात हमारी है पैराबोला की, हाउ टू प्लॉट अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला को हम कैसे बनाते, तो पैराबोला का मतलब होता है बेटा, पैराबोला के बारे में जानते हो आप, डू यू नो अबाउट द पैराबोला, पैराबोला क्या होता है? Yes, तो आपको ये पता है कि पैराबोला होता क्या है, फिर भी चलो मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कई सारी सिचुएशन में कंडीशंस बना करके डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करने होते हैं, पता लगाने होते हैं। क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है बेटा, फिक्स्ड पॉइंट मान लो इसको हमने नाम दे दिया S, और एक हमारे पास फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन। अब कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब इस S का P के साथ कुछ एक डिस्टेंस होगा और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के साथ भी कुछ होगा। ठीक है, मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है m। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, चल रहा है। अगर इसके मोशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है sp/pm = 1, मतलब ये पार्टिकल इस तरह से चल रहा है कि इसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से हमेशा बराबर होती है, जितना एस पी है उतना ही पी एम भी है हमेशा, चाहे वो पार्टिकल यहां हो कहीं भी हो। देन इसका जो पाथ होता है बेटा, देन पाथ इज पैराबोला, तब उस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला। मतलब कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर हो, तब उसका जो पाथ आता है बेटा पैराबोला होता है, वो कुछ इस तरह से ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरह से मूव करता है और इसको बोलते क्या बेटा, पैराबोला।
तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इसी फिक्स पॉइंट का दूसरा नाम होता है फोकस, फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये होता है फोकस ऑफ पैराबोला। और ये जो फिक्स लाइन होती है बेटा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मेडिकल वालों के लिए सब नया नया होगा और पहली बार पढ़ रहे होगे और दोबारा पढ़ोगे भी नहीं, बट थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना जरूरी है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उस पार्टिकल की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस जो है बेटा हमेशा बराबर हो, एसपी हमेशा पीएम के बराबर हो, तब वो जो पाथ फॉलो करता है ना, वो उसके चलने का जो रास्ता होता है बेटा, वो जो पाथ होता है वो पाथ पैराबोला। तो उसका जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स लाइन होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये पैराबोला की डेफिनेशन हो गई, पैराबोला का मतलब हो गया कि कैसे क्या होता है पैराबोला, कब पार्टिकल किस तरह से मूव करता है, कैसे उसका पाथ पैराबोली आता है। समझ आ गया बेटा पैराबोला का मतलब क्या है? क्लियर? ठीक है, अब बेटा क्या होता है, इन सभी कंसेप्ट को लगा करके, सॉल्व करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में हमें एक इक्वेशन बताई गई। सबसे पहले तो एक होती है जनरल इक्वेशन और फिर आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने जो हमें ये पूरा कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करके एक जनरल इक्वेशन बताई, वो जनरल इक्वेशन होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, या इसको y लिख देते इक्वल टू y। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या बन रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप बनाओगे तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिस फॉर्म में अगर मुझे पैराबोला पता रहेगा तो मैं आसानी से उसका ग्राफ प्लॉट कर लूंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो आती है बेटा वो बेसिकली चार होती है। चार फॉर्म कौन सी होती है, एक तो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स, एक हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स, एक हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई, और एक हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो हो गया जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में ये दो टर्म एक्स्ट्रा है, बी एक्स प्लस सी एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो ग्राफ होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें आपको थोड़ा पता लगाना पड़ता है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। ठीक है ना, तो ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। अभी हम उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, थोड़ी देर बाद उसको लास्ट में थोड़ा सा समझाऊंगा। जब आप पैराबोला पढ़ोगे ना बेटा, इसके बाद जब आप मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्कूल में, और डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहां पर बोला जाता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ पैराबोला, सॉरी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। ठीक है ना, तो वो आपको इसी तरह से प्रूव करना होगा। कैसे करना होगा वो सब क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे, बट अभी के लिए इनके बारे में आइडिया होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। आपको पता है एक हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपसे बोला गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब ये आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax बोला जा रहा है, तो मतलब x की आप कोई भी वैल्यू इसमें इनपुट कराओगे, आपको y की वैल्यू जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये एक ऐसा पैराबोला बनेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax को। अब देखो क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म था, प्लस का c था, यहां पर पूरे चारों इक्वेशन में कहीं पर प्लस का c नहीं है। जब किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे वो पैराबोला की हो, चाहे वो आगे चल के सर्किल की होगी,
अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है बेटा, तो इसका मतलब उसका ग्राफ ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा, मतलब ओरिजिन को टच करेगा ही करेगा। जैसे लाइन की भी इक्वेशन हमने आपको बताई थी, y equals to mx आ जाता, उसमें c नहीं होता बेटा। अगर सिर्फ y equals to mx आता, तब आप उसका ग्राफ यहां से बनाते, ऐसे ओरिजिन से पास होता, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या होता बेटा, जीरो। y इंटरसेप्ट कट ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, और इन चारों में नहीं है, तो ये आ गया बेटा। इसका मतलब है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये टर्म्स बेटा थोड़ा समझ में रहेगा आपके, तो मुझे आगे क्वेश्चन को समझाने में आसानी होगी। तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जो ग्राफ आप बनाओगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का जो ग्राफ आपने बनाया बेटा, दिस विल बी वर्टेक्स, उसका जो वर्टेक्स होगा बेटा, वो हमेशा ओरिजिन पर लाई करेगा। इन चारों के वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर लाई करेगा, ठीक है। ये तो ग्राफ हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x की बात करें, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x की बात करें, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, ये बनेगा, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस। अब ये माइनस 4x का मतलब क्या हुआ, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा ओपनिंग डाउनवर्ड बेटा। ये ओपनिंग अपवर्ड है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्या है बेटा, ओपनिंग अपवर्ड, ये ओपनिंग डाउनवर्ड है, वर्टेक्स ओरिजिन पर ही है। और ये इक्वेशन हो गई y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, समझ आया बेटा? यस सर, यस सर। एक और चीज है, इसमें पैराबोला का फोकस भी होता है, यहां पर इसका फोकस ये होगा, यहां पर इसका फोकस ये होगा, ठीक है ना। तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट अगर आप यहां लिखोगे, दिया आएगा 0, a, और यहां आएगा 0, -a। तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन में यहां पर क्या है, 4ax है, ठीक है ना, और जो आपको फोकस मिल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट मिल रहा है क्या, a। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कोफिशिएंट पूरा 4a है, तो इस पूरे कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करके आपको उसके फोकस का कोऑर्डिनेट मिलता है, ओके। इसके बाद बात आती है बेटा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बेसिक ग्राफ, इसको फटाफट प्लॉट करते चलो बेटा, आपको समझना है कुछ और, इसके बाद सर की समझना है। सर ये फोकस स्फेरिकल मिरर के फोकस की तरह है, हाँ बोल सकते बेटा, फोकस वैसा ही है, स्फेरिकल मिरर के जैसा ही है। स्फेरिकल मिरर में भी फोकस आता, तो मैथमेटिकली फोकस को ऐसे डिफाइन किया जाता है, बट जब हम फिजिक्स की बात कर रहे होते, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेफिनेशन आ जाती है फोकस, ठीक है। तो ये हो गया, और अब हम बनाएंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay को, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो अब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये इसका वर्टेक्स हो गया, यहां इसका फोकस हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, y एक्सिस, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ओपनिंग राइट वर्ड, ओपनिंग राइट वर्ड बनेगा, ठीक है। और ये नीचे वाला आपको समझ में आ गया होगा कैसा बनेगा, नीचे वाला हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, x एक्सिस y एक्सिस, ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये वर्टेक्स हो गया बेटा, और फोकस हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। ये टर्म्स आपको समझने पड़ा था जरूरी है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में, जैसे केपलर्स लॉ के बारे में अगर आपने सुना, वहां पर बोला जाता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, विद द सन सिचुएटेड एट इट्स वन ऑफ द फोकस। तो ये सारी बातें वैसी ही है बेटा, फोकस के बारे में, वर्टेक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो आई होप दैट कि आपको ये चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन का ग्राफ समझ आया, कि कैसे बनता है ग्राफ पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ आई बेटा? यस सर, यस सर, ठीक है, चारों ही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ आ गए। अब बात यहां पर एक ये आती है बेटा, कि सर अगर सी भी हो,
तो क्या होगा? अच्छा CVO, सी अगर होगा बेटा तब ये जो है ना, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास नहीं करता, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होता। अभी बनाता हूं, एक जनरल फॉर्म भी बना देता हूं। सबसे पहले तो इन चारों ग्राफ में आप देखो समझ क्या पा रहे हो। अगर आपने पढ़ा वाई स्क्वायर तो जो पैराबोला था वो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज था, है ना, आधा पोर्शन यहाँ था आधा पोर्शन यहाँ था। अगर आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर तो ये एक्स के अबाउट मिरर इमेज है, देखो एक्स के अबाउट मिरर इमेज, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर किसका है, वाई का है या फिर एक्स का है? वाई का स्क्वायर होगा तो वाई के अबाउट मिरर इमेज बनेगा, एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनेगा। जैसे ये यहां पर हमने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर आ रहा है मतलब कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है तो कैसा बनेगा, एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनेगा, ये तो कंफर्म। लेकिन यहां पर बी एक्स प्लस सी भी है तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, कहीं और से पास करेगा, ठीक है, कहीं और से वो पास कर रहा होगा। तो बोलो ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? अभी बनाता हूं उसको भी, ये आपने नोट कर लिया होगा, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म को भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। अब देखो बेटा जैसे यहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को ड्रॉ करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ड्रॉ करना है। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करने का कोई तरीका क्या करेंगे? जो तो अभी तक हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म ना बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है इस इक्वेशन में, थोड़ी देर की अगर इसको भूल जाया जाए तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि y जो है मैक्सिमम x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, x स्क्वायर पर, मतलब ये दोनों टर्म को छोड़ दें क्योंकि क्वाड्रेटिक ही डिसाइड कर रहा है कि पैराबोला होगा, तो क्वाड्रेटिक में जो x स्क्वायर है ये आ रहा है कुछ इस तरह से, मतलब y इज x स्क्वायर टाइप का है। अगर y x स्क्वायर टाइप का है तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कैसा बनना चाहिए, ओरिजिन से पास नहीं करेगा वो ये बता रहे हैं, लेकिन वैसे इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड समथिंग लाइक दिस। अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा बेटा, ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, इधर से ऐसा शुरू हो जाए, ठीक है, इस तरह से ये किसी भी तरह से बन सकता है ओपनिंग, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर देख करके समझ में आ जाएगा इट इज ओपनिंग अपवर्ड। और अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर हम यहां पर लिखते वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिखते, तो ये माइनस क्या बताता, ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इसको देख करके आप आइडिया लगाओगे कि ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है, कैसा हमारा पैराबोला बनेगा, ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है। लेकिन ये बाकी पॉइंट्स निकालने की आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, और उसकी जरूरत मेरे ख्याल से अभी नहीं है क्योंकि फिजिक्स में मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। हमें केवल वही चार स्टैंडर्ड फॉर्म समझ करके चलना है क्योंकि मुझे सिर्फ ग्राफ समझाना है, बाकी ये डिटेल में तो आपकी मैथमेटिक्स का बात हो जाएगा, ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड। हाँ बस इतना यहां से देख करके आप डिसाइड करोगे कि ओपनिंग अपवर्ड आएगा या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देख करके आप डिसाइड करोगे। अगर वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ओपनिंग अपवर्ड, y is equals to minus x square है opening downward, इस तरह की values आपको, sir I can't hear you, okay बेटा ठीक है, okay आपको समझ में आ गई बात, ये clear है बेटा? yes sir ठीक है। तो ये parabola की standard form है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, एक और बात क्या आती है बेटा, slope की, क्योंकि देखो फिजिक्स में जब आप ग्राफ की बात करते हो ना तो ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है,
एक होता है स्लोप, एक होता है एरिया। स्लोप अंडर ऑफ द कर्व और एरिया ऑफ द कर्व। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वो पैराबोला हो तो आप स्लोप को कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, ये हमने आपको ग्राफ बना कर दिया। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ y इज इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर टाइम, y इज इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर है, x स्क्वायर आ रहा ओपनिंग अपवर्ड है और इसलिए ओरिजिन से पास आ रहा। ठीक है, अब अगर आपसे यहां पर बोला जाए, अगर आपसे यहां पर बोला जाए बेटा कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ग्राफ एट दिस पॉइंट, ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका स्लोप बताओ कितना आएगा, तो इस स्लोप को हम कैसे निकालेंगे? हाँ बेटा, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो इसके लिए स्लोप, जैसे इस पॉइंट पर आपको स्लोप देखना है ना, तो आप देखो ऐसे देखो, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट मतलब उस पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन, ये टेंजेंट हो गई बेटा। एक आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर आपसे स्लोप की बात की जाएगी, मैंने यहां पर बना दिया टेंजेंट इसको, ये पॉइंट हटा दे, ये हमारा पॉइंट पी है बेटा। इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए था? स्लोप चाहिए था। तो हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट जितना एंगल यहां पर बनाएगा थीटा, तो आपको इसका स्लोप मिलेगा एम इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड यू विल फाइंड आउट इट बाय यूजिंग डी वाई बाय डी एक्स। जो स्लोप आएगा बेटा क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ये जो आपको इक्वेशन गिवन होगी, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे, आपको स्लोप मिल जाएगा जिस पॉइंट पर पूछा गया उस पॉइंट पर। ठीक है बेटा, जैसे मान लो अगर मैं बोलता कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2.3 और इस पॉइंट पर आपको बताना है कि इसका स्लोप कितना है, तो आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं dy by dx, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 8ax। बेटा डिफरेंशिएशन आप सबको आता होगा, बताया है मैंने भी, थोड़ा बहुत पढ़ाया है, 4ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 4a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया बेटा, टोटल 8ax। किस पॉइंट पर पूछा था, 2.3, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 2, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो, आपको स्लोप मिल जाएगा 16a। तो इस ग्राफ का, इस पैराबोला का जो स्लोप है 2.3 पर कितना है बेटा, 16a। ठीक है ना, और दूसरी बात आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो अगर मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो थोड़ा ऐसा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये टेंजेंट क्या हो रहा है बेटा, इसका एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो पैराबोला में ओरिजिन पर तो स्लोप जीरो होता है, उसके आगे आप बढ़ोगे तो स्लोप क्या होता है बेटा, बढ़ता जाता है, स्लोप इंक्रीज करता जाता है। तो ये स्लोप की बात हो गई। एरिया कैसे निकालेंगे वो तो हम बाद में आपको बता ही देंगे कैसे निकालना है। स्लोप कैसे पता करना है वो आपको समझ में आ गया, जिस पॉइंट पर स्लोप पूछा गया उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसका जो टैन आएगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। और पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका है उसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने किया वाई इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर, हमें पता लगाना था पॉइंट पी पर स्लोप, हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, डिवाइड बाय डीएक्स किया, 8ax आ गया। अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 2.3, स्लोप में मुझे क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट, हमने एक्स की वैल्यू उठाई यहां पुट कर दिया, 8 × 2 हो गया 16a, इसका स्लोप हो गया 2.3 पर। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद एक और चीज है, एक बड़ा चीज, हां बेटा सर एक बार फिर से रिपीट करके, सर 2.3 वाला, हाँ बिल्कुल। देखो y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर की इक्वेशन था, मैंने बोला कि स्लोप बताओ 2.3 पर कितना है, तो स्लोप कैसे निकालते बेटा, डिफरेंशिएट करके निकालते है ना, dy by dx। अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर हम dy by dx निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अगर ये उल्टा होता ना, इधर x होता इधर y होता, तब मैं लिखता dx upon dy। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी है यहाँ पर टाइम है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो डीवी बाई डी टी आएगा। देखो ऐसे ही, इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो अगर वाई हमारा वेलोसिटी होता, एक्स हमारा टाइम होता, डीवी बाई डी टी स्लोप होता, इसका मतलब इसका स्लोप क्या बताता, एक्सेलरेशन बताता। तो इसीलिए स्लोप पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने वाई इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर दिया था, इसको डीवाई बाई डी एक्स निकाला, तो 4ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, भाई 4a कांस्टेंट है, dy dx ऑफ x स्क्वायर लिखोगे,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, 2x आएगा, तो ये कितना हो, सॉरी हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया 8ax, ये तो वैल्यू आ गई किसका, dy / dx का। अब बोला गया था 2,3 पर बताओ, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो आप लिखोगे 2,3 के लिए 8a into 2 मतलब 16, समझ आया बेटा? Yes sir। dt / dv का ग्राफ क्या बताता है बेटा, dt / dv का ग्राफ नहीं, टाइम और वेलोसिटी का वेरिएशन, जो कि मैंने आपको कल भी क्लियर किया था कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, टाइम कैन नॉट बी अ वर्टिकल एक्सिस, टाइम कभी भी वर्टिकल एक्सिस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि टाइम कभी किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप dt / dv की बात कर रहे हो तो इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि dt / dv जो आएगा वो 1 / एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग, बट ग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं होता थोड़ा सा, क्योंकि टाइम को आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करा सकते, टाइम हमेशा अपने हिसाब से चलता है, टाइम हमेशा अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, ओके। तो ये पैराबोला की बात होगी, यू विल अंडरस्टैंड दिस, बस अभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते जाओ, जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ, और इससे ज्यादा आपसे कभी फिजिक्स में पूछा नहीं जाएगा, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनसे मैथ में जब पूछा जाएगा तब वो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए किसी को दिक्कत नहीं आएगी, जितना बता रहा हूं मैं उतना आप करते जाओ। अभी जब हम काइनेमेटिक्स से ग्राफ स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये कितना आसान है और क्यों पढ़ा हमने इसे, ये बात हो गई बेटा। अब कभी कभी जैसे आप 893 पढ़ते आ रहे हो, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाए तो टाइम स्लो हो जाता है, बिल्कुल टाइम के साथ वेरिएशन होता है बेटा, मतलब जो टाइम है, मास है, मतलब जो क्वांटिटीज है ना वो स्पीड पर डिपेंड करती है। हमारी पूरी फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेनली दो पार्ट में, एक होता है न्यूटनियन फिजिक्स और एक होता है आइंस्टाइन की मॉडर्न फिजिक्स जो आजकल पढ़ते हैं हम लोग। न्यूटनियन फिजिक्स में क्या होता है, वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच वेर मूविंग विद अ स्पीड विच इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना? तो न्यूटन की फिजिक्स केवल वहां तक वैलिड है जब तक हमारा जो सर आप म्यूट हो गए हो, सॉरी बेटा कॉल आ गया था, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। तो न्यूटन की फिजिक्स केवल वहां तक वैलिड है बेटा जहां तक जो इस ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि न्यूटन की फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो, आप यही पढ़ते हो ना, मोशन का ही तो डिस्कशन करते हो, शुरुआत से मैं आपको मोशन पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मोशन पढ़ा रहा हूँ, योगी सर भी मोशन पढ़ा रहे हैं, आगे जो टॉपिक पढ़ोगे वो भी मोशन से रिलेटेड होगा। तो जो न्यूटन की फिजिक्स है मोशन से रिलेटेड होता है बेटा, और वहां पर एक कंडीशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरिजन में बहुत ही कम, तो ये न्यूटन की फिजिक्स केवल वहीं पर वैलिड होती है, इसको क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लग जाए, मतलब उसके पास एक कंपेरेबल स्पीड आ जाए, लाइट के कंपेरेबल स्पीड आ जाए 10^6 मीटर पर सेकंड या फिर उससे ज्यादा, तो इन दैट केस क्या होता है बेटा, उसकी सर माइक बंद हो गया, सर माइक सर ये ऑफिस वालों को यार खुद ही टाइम बना के भेजते हैं कि 11 बजे से क्लास है, फिर उसी क्लास के बीच में कॉल करते हैं। सॉरी मैं क्या बता रहा था, हाँ आइंस्टाइन वाली बात कर रहा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 10^6 या उससे ग्रेटर स्पीड से मूव करे, तो इन दैट केस क्या होता है बेटा, इन दैट केस जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास हो गया है ना, जो टाइम हो गया, ये सब स्पीड पर डिपेंड करने लगते हैं, ठीक है, ये सब स्पीड पर डिपेंड करते हैं बेटा। कैसे, जैसे मास है ना, तो ये मास जो होता है ये हो जाता है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c², मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट की स्पीड से चलना शुरू कर दे, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलना शुरू कर दे बेटा, तो उसका मास हो जाता है क्या, इंफिनिटी, मतलब पूरा का पूरा मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पीड पर मास भी डिपेंड करता है और टाइम भी डिपेंड करता है, टाइम t = t₀ √1 - v² / c², ये टाइम हो गया बेटा और ये मास हो गया। मास और टाइम दोनों ही स्पीड पर डिपेंड करते हैं, मास और टाइम
दोनों ही स्पीड पर डिपेंड करते हैं बेटा, ठीक है ना। मास जो होता है इंक्रीज करता है टाइम के सॉरी स्पीड के साथ, और टाइम जो होता है वो डिक्रीज करता है, इसको बोलते हैं टाइम डाइलेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो हमारे आइंस्टाइन भाई साहब थे वो इसी कंसेप्ट को लेकर के ये सोच रहे थे कि अगर किसी तरह से हमको एक लाइट स्पीड मिल जाए जो लाइट की स्पीड से ज्यादा है तो मैं बैक में जा सकता हूँ, फास्ट में जा सकता हूँ, इसीलिए वो फास्ट मशीन बना रहे थे, वो उनका कंसेप्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसमें, लेकिन फिर भी बेटा टाइम डायलेशन होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज नॉट आवर टॉपिक टिल नाउ, अभी तक ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमें न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ना है 11th 12th में। 12th में आपको थोड़ी सी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, वहां पर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल अगर आपसे कभी कोई कुछ पूछता है कि क्या मास स्पीड पर डिपेंड करता है, टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल डिपेंड करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए बेटा, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होनी चाहिए। ओके, आई होप दैट कि आपको समझ आ गया। हाँ बेटा सर आ गया समझ में। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैं बुलेट ट्रेन में ट्रेवल करूंगा तो मेरा मास चेंज हो जाएगा। ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा, और इतना चेंज हो जाएगा कि आप पता ही नहीं कर पाओगे सही में चेंज हुआ था क्या, क्योंकि बेटा बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 500 किलोमीटर पर आवर इतना ही होगा ना। और लाइट की स्पीड में जीरो को भी गिना है, कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो होते हैं, तो लाइट के कंपैरिजन में तो इसकी स्पीड बहुत कम है ना। मैंने क्या बोला, यू कैन ओनली रियलाइज दैट व्हेन यू आर मूविंग विद द स्पीड comparable with the speed of light। ये छोटी मोटी स्पीड में थोड़ी में पता चलेगा आपको, ये उसमें पता चलता है जब आप रॉकेट से स्पेस में जा रहे हो। रॉकेट से जब आप स्पेस में जाते हो तो रॉकेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है बेटा, एट दैट टाइम टाइम डायलेशन होता है। एट दैट टाइम जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो स्पेस से वापस आते हैं जमीन पर ग्रह पर, तो उनकी उम्र थोड़ी सी कम रहती है, मतलब वो हमसे ज्यादा यंगर होते हैं, हमारी एज ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है, उनकी एज धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तो वो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट वहां पर आता है बेटा, जहां पर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल। हाँ, आप बुलेट ट्रेन में मूव कर रहे हो तो आपका मास बिल्कुल बदलेगा, बहुत थोड़ा सा बदलेगा, वो आपको रियलाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब एक अगला ग्राफ देख लेते, बेटा जल्दी से ये सारे ग्राफ आप बेसिक वाले कर लेते जिससे हम कल काइनेमेटिक्स के ग्राफ कर पाए, ठीक है। ये सब जो एक्स्ट्रा बातें हैं ये सब हम फिर कभी कर लेंगे। तो अगला जो ग्राफ हमारे पास है बेटा वो है हाइपरबोला का। हाइपरबोला, अब ये हाइपरबोला क्या होता है, आपने बचपन से ये पढ़ा है कि इनवर्स वेरिएशन पढ़ा ना आपने। तो इनवर्स वेरिएशन मतलब बेटा हुआ अगर y इज इक्वल्स टू 1/x हो जाए तो इसका जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला। एक्चुअली ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका पूरा नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ऐसा बन जाए तब आप ग्राफ कैसा बनाओगे, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और आप सबको पता है इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप केवल इतना ही बनाते हो लेकिन मैथमेटिक्स ने हमें सिखाया है ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनता है, फर्स्ट में भी बनेगा थर्ड में भी बनेगा। और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इसको बनाओगे वाई अपॉन एक्स टू द पावर एन के लिए वेयर एन बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। अगर एन हमारा ऑड नंबर है मतलब y equals to 1 upon x, 1 upon x cube, 1 upon x to the power 5, 1 upon x to the power 7, इस तरह से आएगा तो आपका ग्राफ बेटा ऐसा ही बनेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इनवर्स वेरिएशन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनता है, ठीक है, ये आपको याद रहेगा तो आगे चल के आपको जब भी फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा ऐसा बनता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसा ही आएगा, दूसरा यहाँ आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये बनता है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x टू द पावर n व्हेन n बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x है या 1 अपॉन x की पावर n है और n ऑड नंबर है तो ये ग्राफ बनता है। हम बेसिकली ये वाला क्वाड्रेंट क्या करते हैं छोड़ देते बेटा, भूल जाते हैं इसके बारे में, क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ये टाइम होता है मोशन में, लेकिन आगे चल के फिजिक्स में आपको ये दोनों ही ग्राफ बनाने पड़ेंगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बात करोगे, ठीक है। और दूसरा ये जब अगर y equals to 1 upon x square हो, x power 4 हो, x power 6 हो, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो बेटा समझ आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
ये सब बेसिक ग्राफ है, इसको आपको बना करके रखना है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम आगे काइनेमेटिक्स के भी ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, आपको ऐसा बनाना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इवन और ऑड की सिचुएशन में। सो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है टर्म्स में बता दो सर। बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म है, आप यहां इक्वल हटाओ यहां ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बात वही है, बात वही है, ऐसे बना दो। अब ये ग्राफ तो कभी ओरिजिन से पास भी नहीं करता, ये तो ओरिजिन के पास जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। ओरिजिन पे जाएगा x जीरो हो जाएगा, y इनफिनिटी हो जाएगा, ओरिजिन से कभी पास ही नहीं करता बेटा। तो अब आप वन अपॉन x प्लस 5 भी लिख दोगे तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। तो इनवर्स वेरिएशन में यही तो खासियत है कि इनवर्स वेरिएशन अगर आपको मिल गया तो यू फील फ्री, यही ग्राफ बनेगा ऐसे ही, बस इनवर्स वाला बना दो खत्म, ठीक है ना। अब चाहे प्रोपोर्शनलिटी लगा लो चाहे इक्वल लगा लो, वो आपकी मर्जी। ओके बेटा समझ आ गई बात? Yes, sir. We will be made only in two मतलब बेटा, हाँ only in two quadrants, या तो first या third, या फिर first या second। अगर odd है तो first और third, अगर even है तो first और sir, ये sir एक साथ बनेंगे क्या करेंगे class लेगी sir? मतलब जैसे हमें कोई equation दे रखी है ना, तो इधर भी बनेगी और sir इस दोनों तरफ बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, दो क्वाड्रेंट में बनेंगे, डिपेंड करता है इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, अगर वो इवन है तो फर्स्ट और सेकंड में बनेगा। बस ये ध्यान रखना, अगर ये एक्स जो है वो टाइम आ गया, अगर मैं बोलूं ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस क्या है, टाइम, तब ये नहीं बनेगा क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होगा और ये भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये एक्स टाइम की जगह कुछ और हो गया तब दोनों क्वाड्रेंट में, ठीक है। हालांकि अभी तक आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि केवल एक ही क्वाड्रेंट में बनाते हो, ठीक है, बट यू विल डिस्कस इट इन डिटेल, टॉपिक्स आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे, अभी आपको इसको नोट करते जाना है बस। ये बेसिक ग्राफ है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो चाहे आप नॉन मेडिकल। और इसके बाद एक और अगला जो हमारा है बेसिक ग्राफ वो है सर्कल बेटा, सर ठीक है ना। सर्कल भी एक ग्राफ बनता है, कभी कभी हमारा जो वेरिएशन होता है इस तरह से हो जाता है कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करना करने लगता है ऑब्जेक्ट, है ना। अब सर्कल के बारे में आप सबने सुना ही है, क्या होता है बेटा सर्कल के बारे में? सर्कल के बारे में एक फिक्स पॉइंट से कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि इसकी डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और इसको बना दिया एक्स एक्सिस, इसको बना दिया y एक्सिस, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है बेटा? ओरिजिन पर। सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर। रेडियस क्या है? r। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पहले ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है बेटा, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों का ही स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। और कभी कभी आपको ऐसी भी इक्वेशन मिलेगी, इलिप्स की इक्वेशन, एक इलिप्स भी होता है इलिप्टिकल पाथ के बारे में आपने सुना है, ये बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन। अब ये दूसरा वाला मैंने क्यों लिखा, ये समझाने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, हमेशा एक जनरल इक्वेशन आता है। तो अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ रहा है जिसमें x स्क्वायर भी है और y स्क्वायर भी है, यू कैन नॉट बी श्योर, यू कैन नॉट से डेफिनेटली दैट कि वो सर्कल ही है, क्योंकि इसमें भी x स्क्वायर आ रहा है y स्क्वायर आ रहा है। आप किस सिचुएशन में बोलोगे कि ये सर्कल है? तो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसमें सबसे पहले आप ये नोट कर लो, इसका जो सेंटर है वो है 0, 0 और इसका जो रेडियस है वो है r, ठीक है बेटा। अगर इस तरह का आपको मिल गया तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस r। अगर आपको एक जनरल इक्वेशन मिल जाए, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, टू एच एक्स लिख देता हूं, नहीं, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक जनरल इक्वेशन होती है बेटा, दिस इज द जनरल इक्वेशन। एक टर्म और इसमें लिखना था मुझे,
2HXY plus C equal to, ठीक है बेटा ये। अब ये जो सर रिपीट कर दो एक बार, हाँ बेटा मैं सेटिंग पर वापस आऊंगा, पहले जनरल इक्वेशन आपको समझा दूं उसके बाद वापस आ रहा हूँ। ये जो जनरल इक्वेशन है बेटा मैथमेटिक्स के लिए है, ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c equal to 0। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन भी, इलिप्स भी, पैराबोला भी और हाइपरबोला भी, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट मिल रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सर्कल है? तो सबसे पहले बेटा देखो, अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर सर्कल, तो सर्कल के लिए x की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए सबसे पहले, मतलब x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए, x इंटू वाई वाला टर्म उसमें नहीं होना चाहिए। और दूसरा a की वैल्यू b के बराबर होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वही y स्क्वायर का भी कोफिशियंट होना चाहिए। तो ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा ओनली व्हेन x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशियंट बराबर हो और x y वाला टर्म जीरो हो। मतलब अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, ये है सर्किल, ये है सर्किल, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्म आपको जल्दी देखने को मिलेगा नहीं, ये वाला फॉर्म केवल उनको मिलेगा जो एम्स वगैरह की तैयारी करेंगे या फिर एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे, तो सर्किल का ये वाला फॉर्म आएगा उनके। तो एम्स वालों के लिए है, अगर आप नॉर्मली केवल नीट के बारे में सोचते हो तो फिर इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। और इस सर्किल में अगर आप पता लगाओगे व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्किल, तो आप लिखोगे सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस अगर आप पता लगाओगे सर्किल का रेडियस कितना है तो आप लिखोगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ये तो हो गया बेटा एक जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहां पर सबसे पहले क्या याद रखना है, आपने एक इक्वेशन बनाई, आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि पार्टिकल इस तरह से चल रहा है तो इसका जो पाथ है वो क्या होगा, ऑप्शन में लिख देगा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसे लिख देगा, चार ऑप्शन दे दिया। आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये क्या चीज, तो आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, ये एक जनरल इक्वेशन होगी। अगर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट बराबर है, आंख बंद करो, सर्कल। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट बराबर है तो सर्कल, और बराबर नहीं है तो इट कैन बी इलिप्स, इट कैन बी पैराबोला, इट कैन नॉट पैराबोला, इट कैन बी इलिप्स, इट कैन बी पैराबोला, ठीक है ना। अब वो क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं तो मैं उसके बारे में डिटेल में ज्यादा जाऊंगा नहीं। सर आईआईटी के लिए है ये, आईआईटी के लिए है ये इक्वेशन। बेटा आईआईटी में भी दो एग्जाम होते हैं, वैसे अगर आप आईआईटी की बात करो तो यस ऑब्वियसली, आप चाहे मेंस की तैयारी करो चाहे एडवांस की तैयारी करो, आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना, आपका सिलेबस ये है मैथमेटिक्स में, तो ये बिल्कुल ही आएगा, फिजिक्स में ना आए तो भी मैथमेटिक्स में आएगा। बट आई गेस थिंग दैट अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो या एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको इन सारी इक्वेशन को फेस करना पड़ेगा फिजिक्स में, मैथ में तो आएगा ही आएगा, मैथ का तो सिलेबस ही है, फिजिक्स में आता है बेटा। सर एम्स इज कैंसिल, किसने कहा? अभी पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ बेटा, हाँ बस इतना अलाउ कर दिया गया कि नीट के थ्रू भी उसमें एडमिशन होगा। तो अगर एम्स को नीट में मर्ज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको इस चीज के लिए रेडी रहना होगा कि नीट का लेवल भी अप होने वाला है, क्योंकि एम्स अपने लेवल को गिराएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल, जनरल फॉर्म। तो आपको याद रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बराबर है, बराबर मतलब यहाँ पर अगर 2-2 भी लिख दिया तो भी ये सर्किल है, यहाँ पर 4-4 लिख दिया तो भी ये सर्किल है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की, जो हमने जनरल इक्वेशन लिखा था ना उसकी एक कंडीशन बनती है, अभी आपने वो पढ़ा नहीं थी, मैं उसको बता नहीं रहा था, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये इक्वल टू जीरो अगर ऐसा बनता है बेटा तब वो सर्किल होता है, तो ये मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा समझ में आएगा, जो मेडिकल वाले हैं उनको अभी डिटरमिनेंट वगैरह पढ़ा नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा शायद, ठीक है।
ये डिटरमिनेंट है बेटा, शायद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर में आपको समझाया गया हो, आपको सर ने समझाया हो, जब भी पढ़ाया हो समझाया क्या डिटरमिनेंट? यस सर। हां पढ़ा है? यस, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से सॉल्व करना होता है? यस सर। यस सर। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है बेटा, जो भी मैंने जनरल इक्वेशन लिखा था जिसमें ए भी था, बी भी था, जी भी था, एच भी था, एफ भी था, सी भी था, तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे और ये जीरो आ जाए तब क्या हो जाएगा बेटा? तब वो इक्वेशन सर्किटरी होगी। इसको याद रखने का क्या है सीन, मुझे भी बचपन में पढ़ाया गया था जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ा करता था, अब तो मैथ पढ़ता नहीं। ऑल हाई स्कूल गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, इसका डिटरमिनेंट निकालो, अगर वो जीरो आता है तो सर्किट, अगर वो जीरो नहीं आता है इट विल बी एलिप्स। जीरो नहीं आता तो क्या आएगा? लेस देन वन आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। लेस देन वन आता है तो वो बनता है आपका हाइपरबोला, ग्रेटर देन वन आता तो बनता है एलिप्स। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन है वो जब आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे जब भी आएगा ये कोऑर्डिनेट। मैं वापस आता हूँ जो हमारा बेसिक है, तो एक तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, गो फॉर सिनेमा, ठीक है। ये क्या है बेटा, यहां पर ये हो गया जब इसका सेंटर क्या है जीरो जीरो, और एक दूसरा मिलता आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एक ये वाला भी फॉर्म आपको मिलेगा जरूर। ये दोनों फॉर्म आपको हमेशा हर किसी के लिए है, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, नॉन मेडिकल की, किसी भी लेवल की। अब इसमें केवल इतना सा चेंज आता है बेटा कि इसका सेंटर हो जाता है h कॉमा k और रेडियस वही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सर्किल को आइडेंटिफाई करोगे, ये सर्किल की बेसिक इक्वेशन होगी। जब आपको ये सारी इक्वेशन के बारे में आइडिया होगा ना तो ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो हमने आपको बताया बेटा स्ट्रेट लाइन, हमने आपको बताया सर्किल, हमने आपको बताया पैराबोला, ठीक है, और एक हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो इनवर्स वेरिएशन होता है वो बताया, ठीक है। तो ये वो बेसिक ग्राफ्स थे जो मैथमेटिक्स का बात थी, मैथमेटिक्स में इसको आपको बताया जाता है बेटा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर आपको बताया जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाओ, आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स आल्सो, बट अभी वो हमारे काम के नहीं है इसलिए उसको अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो जब हमारे चैप्टर्स में आएंगे तब बताऊंगा। सो दिस इज द बेसिक ग्राफ जो आपको पता होने चाहिए, ठीक।